शिव शक्ति का जाप करेंगे, अपनी रक्षा आप करेंगे। शिव शक्ति का जाप, खालिस्तान जिंदाबाद, शिव सेना पंजाब जिंदाबाद, शिव सेना पंजाब जिंदाबाद, शिव सेना पंजाब जिंदाबाद। बीते दिनों पंजाब पुलिस द्वारा पकड़े गए 4 खालिस्तानी आतंकवादियों, जिनमें से 2 आतंकवादी टांडा शहर के रहने वाले हैं। भारी मात्रा में हथियार पकड़े जाने का मतलब पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों की गिनती में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें टांडा शहर व उसके आसपास के इलाकों में खालिस्तानी समर्थकों द्वारा अपनी गतिविधियां तेज करने का सबूत मिलता है। इसके चलते ये साबित होता है कि टांडा पुलिस व खुफिया तंत्र इन खालिस्तानियों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखते, जिससे हिंदू संगठनों के लीडरों को टारगेट करना खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। वहीं शिवसेना पंजाब ने फूका खालिस्तान का पुतला व खालिस्तान और पंजाब सरकार के खिलाफ जमके की नारेबाजी। वहीं उत्तर भारत प्रमुख शिवसेना पंजाब मिक्की पंडित ने बताया कि इससे पहले भी कई बार हिंदू लीडरों ने टांडा पुलिस व खुफिया तंत्र को इस बारे में सूचित किया है कि खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा आए दिन उनको सोशल मीडिया पर और मोबाइल फोन पर धमकियां मिलती रहती हैं, परंतु प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया जा रहा। वही उन्होंने कहा कि अगर हिंदू संगठनों पर कोई आतंकवादी हमला होता है तो इसका जिम्मेवार प्रशासन ही होगा। वहीं जिला चेयरमैन शिवसेना पंजाब विकास जसरा ने कहा कि पहले भी खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा पंजाब के अलग अलग शहरों में हिंदू संगठन के लीडरों को टारगेट किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि टांडा में पकड़े गए सरगर्म खालिस्तानी आतंकवादियों के पकड़े जाने का मतलब है कि टांडा व इसके आसपास इलाकों में रहते हिंदू संगठनों के लीडर पर खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा टारगेट किए जा सकते हैं, जिसमें कोई शंका की बात नहीं है। अज शिवसेना पंजाब वालों टांडे दे विच जो खालिस्तान ते पंजाब सरकार दा पुतला फूकिया गया, क्योंकि कुछ दिन पहला जो खालिस्तान समर्थक इत्थे पंजाब विच माहौल खराब करन दी फिराक विच फिर रहे सी, ते जिन्हों पुलिस ने फड़िया उन्हां दे कोल भारी मात्रा दे विच हथियार बरामद किए गए। इसे ही रोज स्वरूप अज असी पंजाब सरकार ते खालिस्तान दा इत्थे पुतला फूकिया, ते पंजाब सरकार नूं चेतावनी दिंदे आ कि जेकर किसी भी हिंदू लीडर दे उत्ते जां कोई भी समाज दे विच किते भी कोई इदां दी घटना वापरी वी जिहदे नाल किसी दा जानी मानी नुकसान गया, ते इहदा सीधे तौर पर पंजाब सरकार इहदी जिम्मेवार होवेगी। असी पंजाब सरकार तो यह मंग करते हैं कि खालिस्तान प्रचार समगरी के उत्ते बैन किया जाए। सोशल मीडिया के उत्ते खालिस्तान का जिन्ना जोरों शोरों का प्रचार चल रहा, इतने पूर्ण तौर पर पाबंदी लाई जाए। अज शिवसेना पंजाब की टांडा टीम वालों खालिस्तान का पुतला फूकया गया, क्योंकि बीते दिन जिहड़े आतंकवादी 4 आतंकवादी फड़े गए खालिस्तानी, उन्होंने 2 आतंकवादियों का लिंक टांडे शहर के, वो टांडे शहर के निवासी सके, तो उन्होंने को भारी मात्रा के हथियार बरामद होया, जिस तो यह सबूत मिलता है कि आने वाले टाइम के बहुत बड़ी वारदात करन दे लई तैयार सके, ते जिन मे भी ये भी इदा हो सकता है कि वह हिंदू लीडरां नूं ही टारगेट करना चाहते सके, जिहदे करके इत्थे टांडे विच, क्योंकि अज तो पिछोकड़ कोई चैक करके देख लो कि टांडा शहर खालिस्तान दी फौज दे खालिस्तान मुहिम दे विच गढ़ रहा है। अगे भी इत्थे खालिस्तान समर्थकों का यह गढ़ है, क्योंकि इत्थे खालिस्तानी समर्थक भारी मात्रा दे विच हन, ते मैं प्रशासन अगे मंग करदा हां कि कृपा करके इन्हां नूं पता किया जाए कि उन्हां दे लिंक कि होर भी जिहड़े लोग अणपछाते ने, जिहड़े कि आम जनता नूं नहीं पता है, तो जनता दे विच विचरदे ने, उन्हां तक पहुंचा जाए, तो उन्हां कोल भी खतरनाक हथियार होने की आशा है, ते मैं चाहना हां भी उन्हां ते नकेल कीती जाए। सीवन न्यूज़ के लिए टांडा उड़मुड़ से अमृतपाल बाजवा की रिपोर्ट।